विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। साथियों, आज इस पवित्र धरती पर आकर मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज देश को करतारपुर साहब कॉरिडोर समर्पित कर रहा हूं। जैसी अनुभूति आप सभी को कार सेवा के समय होती है, अभी इस पल मुझे भी वही भाव अनुभव होता है। मैं आप सभी को, पूरे देश को, दुनिया भर में बसे सिख भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने मुझे कौमी सेवा पुरस्कार भी दिया। ये पुरस्कार, ये सम्मान, ये गौरव हमारी महान संत परंपरा के तेज, त्याग और तपस्या का प्रसाद है। मैं इस पुरस्कार को, इस सम्मान को गुरु नानक देव जी के चरणों में समर्पित करता हूं। आज इस पवित्र भूमि से गुरु नानक साहब के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहब के सामने मैं नम्रता पूर्वक यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे भीतर का सेवा भाव दिनों दिन बढ़ता रहे और उनका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। साथियों, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव से पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, करतारपुर साहब कॉरिडोर, इसका आरंभ होना हम सभी के लिए दोहरी खुशी लेकर के आया है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व इस बार देव दीपावली और जगमग होकर के हमें आशीर्वाद देगी। भाइयों और बहनों, इस कॉरिडोर के बनने के बाद अब गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन आसान हो जाएंगे। मैं पंजाब सरकार का, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इस कॉरिडोर को तय समय में बनाने वाले हर श्रमिक साथी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के विषय में भारत की भावनाओं को समझा, सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कार्य किया। मैं पाकिस्तान के श्रमिक साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतनी तेजी से अपनी तरफ के कॉरिडोर को पूरा करने में मदद की। साथियों, गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ की, भारत की ही धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा पुंज है।